सपा प्रत्याशी शिवशंकर सिंह पटेल ने भाजपा पर साधा निशाना, आरोपों की लगाई छड़ी। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी प्रत्याशियों को लेकर के जहां सभी दल अभी ऊहापोह की स्थिति में हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से सपा ने 2002 में भाजपा से राज्य मंत्री रहे शिवशंकर सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। शिवशंकर पटेल जनपद के बबेरू कस्बे के रहने वाले और बबेरू विधानसभा से 2002 में चुनाव जीतकर कल्याण सिंह की सरकार में राज्य मंत्री बने थे। तो टिकट की घोषणा होने के बाद सपा कार्यकर्ताओं का प्रत्याशी के घर पर जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार दोनों जनपदों से कार्यकर्ता घोषित प्रत्याशी शिवशंकर पटेल को बधाई देने के लिए उनके आवास पहुंच रहे हैं। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शिवशंकर सिंह पटेल का कहना है कि उन्हें पहले से उम्मीद थी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव उन्हें इस बार मैदान में उतारेंगे। उन्होंने कहा कि टिकट की घोषणा होने के बाद कार्यकर्ताओं और जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा 50 से 55 सीट जीतकर इंडिया की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। शिवशंकर पटेल ने ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि जनता चाहती है कि इस बार का चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से हो। उन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि इसका आगामी चुनाव में भाजपा को कोई फायदा नहीं होगा। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सभी शंकराचार्यों व धर्मगुरुओं ने इसका विरोध किया है। चलिए, बधाई देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को और यहां पर चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है और उन पर उन्होंने भरोसा किया है कि ये सीट हमको लड़ा करके वो जीतेंगे। और चूँकि कल से मैं नरैनी में था और जो उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है, मुझे लगता है कि उससे हम किसी भी कीमत में चुनाव जीतेंगे। विधानसभा चुनाव में इससे ज़्यादा उत्साह देखने को मिला था, अगर खासकर करें जनता में सपा की जीत को लेकर, लेकिन रिजल्ट उस तरह का नहीं आया। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो जनता चाहती है, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, तो जो विरोध कर रहे हैं उसका कोई ना कोई कारण है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या रणनीति इनकी। उस समय भी हम यहां से देखिए, बांदा से हम 8000 से हारे थे, नरैनी से 6000 से हारे थे और इसी प्रकार से 1000 से हम वहाँ हारे थे मऊ मानीपुर, और बबेरू हम जीते थे, करबी हम जीते थे। तो 8, 6, 14, 15000 से हम 3 सीटें हार गए थे और भाजपा को ज़्यादा सीटें मिली थी लेकिन वोट और कम मिला था। इस बार किन मुद्दों के साथ उतरेंगे मैदान? अब देखिए, मुद्दे हमारे महंगाई, भ्रष्टाचार जो आज चरम सीमा पर है, जो किसानों की खाद में कमी कर दिया है उन्होंने और किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कर ही रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की थी, उन्होंने एक भी नहीं दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, पीडीए और हम जातीय जनगणना, संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, ये सारे हमारे मुद्दे हैं और मुद्दे तो भरे पड़े हैं क्योंकि सरकार ने जो कुछ भी किया है तो मुद्दे तो भरे पड़े हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जनता इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी को जिताएगी इस बार। यूपी में सपा कितनी सीटें? 50 और 55 सीटों के बीच में यूपी में हम जीतेंगे। लड़ेंगे कितनी सीटों पर? 60 सीटों पर। अच्छा, राम मंदिर क्या एक मुद्दा रहेगा चुनाव में? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लोग बनाएंगे, लेकिन ये सबको पता है कि जो हमारे 4 धर्माचार्य हैं, जो इस उनको उन पीठों पर वही बैठा जाते हैं जो सबसे विद्वान होते हैं, उनके चयन का जो एक वो होता है वो सबसे विद्वान होते हैं। और मुझे लगता है कि
उन्होंने कहा है कि बिना महिला के प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसे में होता है तो देश को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। हमारे 152 शंकराचार्य हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया है, चारों शंकराचार्यों को इनको भी नहीं बुलाया गया है, तो ज़बरदस्ती गुंडाई के बल पर चाहे जो कुछ कर लें। और ये जनता जाग गई, जनता सब जानती है कि ये क्या चाहते हैं। ये न धर्म को मानते हैं, न देश को मानते हैं, न देशभक्ति को मानते हैं, ये तो केवल अपना वोट और अपना शासन चाहते हैं। इसलिए जनता जाग गई है, अब ये मुद्दा उद्दा नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन से लगातार टूटने का सिलसिला जारी है, ममता ने मना कर दिया कि वो अलग लड़ेंगी, इधर आपके क्या कहते हैं नीतीश कुमार अलग हो गए, विपक्ष में चले गए जो आपके साथ थे, तो इंडिया गठबंधन को क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा? देखिए ये तो आप जान रहे हो, इंडिया गठबंधन की बातें चल रही थी और सीट शेयरिंग में कहीं गड़बड़ ना हो जाए उसके चिंता लगातार बनी रही है, और सीट शेयरिंग में भी कुछ यही सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं के लिए जो अपना अपने जीत का दावा कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ 50 से 55 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, बाकी आरएलडी 4 सीटें उनकी ऑलरेडी हैं, 7 सीटें लड़ा रहे हैं, कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात कही गई है, तो अगर 11 सीटें वो जीत जाएंगे और 4 सीटें उनकी थी, 4 वो जीत जाएंगे, हम इतनी जीत जाएंगे, तो ये जो सारे जीत का जो आंकड़ा है ये हर प्रदेश में इसी प्रकार का रहेगा। और जब इस प्रकार का रहेगा कि विपक्ष हर जगह से जीत के आएगा तो विपक्ष की सरकार बनेगी, और ये जो सरकार है इसको मैं कौन सी संज्ञा दूँ, जालिम कहूँ या भ्रष्ट कहूँ या जो भी कहूँ, क्योंकि आज भी जो हाईवे बन रहे हैं वो हाईवे टोटल गाड़ियाँ नहीं दौड़ सकती स्पीड से, और जो हमारे लोगों ने बनाया था उसमें हवाई जहाज दौड़ता है। ये सारा अंतर है, इनके कामों में भी कोई बहुत अच्छी सोच नहीं इनकी है, और काम भी कुछ नहीं किया ज़्यादा। तो सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो विरोध की विपक्ष की जाएगी बनने, ये नहीं बना पाए सरकार इस बार। जब हम विपक्ष में हैं तो सारे देश में हैं, और इनके खिलाफ हैं तो सारे लोग जुटकर एकजुट होकर हम सरकार बनाएंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।